हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 12 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एंड आज का हमारा टॉपिक है व्हाई डू पीपल वर्क। लोग काम क्यों करते हैं, नौकरी पर क्यों जाते हैं, बिकॉज क्या करना है उन्हें, टू अर्न लिविंग, यानी अपने रोज़मर्रा के जो खर्चे होते हैं उनको पूरा करने के लिए, भाई रोटी कमाने के लिए, घर खरीदने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए लोग काम करते हैं। नेक्स्ट चीज़ देखो, Employment gives a feeling of self-esteem and self-worth. अगर कोई इंसान जॉब करता है तो उसको अंदर से मतलब ऐसा लगता है कि हाँ भाई वो भी कुछ है, ठीक है, दुनिया से अलग अपनी उसकी एक वैल्यू है, इसलिए लोग जॉब करते हैं, एक ये भी रीज़न है। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट कंट्रीब्यूट्स टू GDP, यानी अगर लोग जॉब करते हैं, पैसा कमाते हैं, तो इससे हमारी GDP बढ़ती है। और GDP में कंट्रीब्यूट करने का क्या मतलब है, लोगों को कैसा फील होता है, सेंस ऑफ ग्लोबल प्राइड, उनको बहुत अच्छा लगता है अंदर से कि हाँ भाई हम लोग भी हैं जो GDP जो है बढ़ा रहे हैं, हमारे देश की ग्रोथ कर रहे हैं, हमारे देश को आगे लेके जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाई शुड वी स्टडी अबाउट वर्किंग पीपल। हमें ऐसे लोगों की स्टडी क्यों करनी चाहिए जो वर्किंग होते हैं, यानी जॉब कर रहे होते हैं। सो देखो आंसर क्या है, स्टडिंग अबाउट एम्प्लॉयमेंट गिव्स इनसाइट इनटू क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ आर ह्यूमन रिसोर्सेज। अगर हम ऐसे लोगों के बारे में स्टडी करते हैं तो हमें पता लगता है कि हमारे जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, यानी जो लोग जॉब कर रहे हैं, उनकी क्या क्वालिटी है, यानी क्या क्वांटिटी है। क्वांटिटी से मतलब है इधर कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं हमारे देश में जो काम कर रहे हैं। क्वालिटी से मतलब है कि किस किस टाइप की स्किल्स है हमारे देश के ह्यूमन रिसोर्सेज में। नेक्स्ट पॉइंट इज इट स्टडी हेल्प्स अस टू नो दैट विच सेक्टर प्राइमरी सेकेंडरी और टर्जरी कॉन्ट्रीब्यूट्स हाउ मच टूवर्ड्स GDP। इससे हमें पता लगता है कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्जरी सेक्टर जो है वो कितना कितना GDP में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी इन तीनों सेक्टर्स की वजह से हमारी GDP कितनी बढ़ती है, कि प्राइमरी सेक्टर मतलब कितना परसेंट दे रहा है GDP में, सेकेंडरी सेक्टर कितना परसेंट दे रहा है, टर्जरी सेक्टर कितना ज़्यादा हमारी GDP बढ़ा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इट हेल्प्स इन एनालाइजिंग मैनी सोशल इश्यूज। हमारे देश में कुछ सोशल इश्यूज हैं, उनको पता लगाने में, उनके बारे में हमें पता कैसे लगता है, जब हम इन लोगों के बारे में पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, जैसे कि सोशल सिक्योरिटी ऑफ वर्कर्स, यानी हमारे देश में जो वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं सोशली, उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, किस कैसे टाइप का वर्क एनवायरमेंट है जो कि वो जिससे कि परेशान है या उसमें बेहतर कुछ चाहते हैं। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स, यानी वर्कर्स को किस तरह से एक्सप्लॉयट यानी शोषण किया जाता है, इन सभी प्रॉब्लम्स को हम पढ़ते हैं अगर हम वर्किंग पीपल की स्टडी करते हैं तो। नेक्स्ट इज थ्रू इट्स स्टडी वी कैन प्लान आर फ्यूचर रिक्वायरमेंट ऑफ मैन पावर, यानी हमें पता लगता है कि फ्यूचर में हमें मैन पावर यानी और कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत हो सकती है अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकॉनमी, यानी कौन कौन से सेक्टर में, प्राइमरी में कितने लोगों की ज़रूरत पड़ सकती है, सेकेंडरी में हमें कितने आगे फ्यूचर में एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, टर्जरी में कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये सभी चीज़ें हमें पता लगती है अगर हम पढ़ते हैं वर्किंग पीपल के बारे में। इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।